हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने पॉलिटिकल साइंस CUET अंडर ग्रेजुएट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट वीडियो नंबर 1 MCQs फॉर एंट्रेंस एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट MCQ दिए जा रहे हैं। सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल साइंस में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि आज का हमारा टॉपिक होगा पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी के बाद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, कंपैरेटिव वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड मिसलेनियस, इन सब के MCQ आपको दिए जाएंगे CUET की तैयारी के लिए। तो आज का हमारा पॉलिटिकल साइंस का वीडियो नंबर 1 में टॉपिक होगा पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी CUET UG का। इसका फर्स्ट MCQ है, रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट, ये वो मूवमेंट है जिसमें मेल डोमिनेशन को हटाना होता है, फीमेल को इक्वल राइट्स दिलवाने की बात होती है। तो ये नीचे लिखो में से किस कंट्री में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स, बी यूनाइटेड किंगडम, सी ऑस्ट्रेलिया या डी ऑल द अबव। तो ये लगभग सभी कंट्रीज में, यूनाइटेड स्टेट्स में भी, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया, तो ऑल द अबव होगा। फेमिनिस्ट, रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट इन तीनों में ही स्टार्ट हुआ था, तो ऑल द अबव करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप 1964 में एक बुक लिखी गई थी, नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण एंड नागरिकता, सिटीजनशिप 1964 में, इज अ बुक रिटन बाय हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल फिलोसोफर। ये बुक नीचे लिखो में से किस फिलोसोफर ने लिखी थी। ऑप्शन ए आर बेंडिक्स, बी ब्रायन एस टर्नर, सी जैक बारबेलेट, डी चार्ल्स टेलर। तो नेशन बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप 1964 में जिस पॉलिटिकल फिलोसोफर ने बुक लिखी थी उसका नाम था ऑप्शन ए आर बेंडिक्स, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 3, कैपिटलिज्म इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वातावरण को खराब करने का मेन कॉज कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद, ये बात किसने कही थी। ऑप्शन ए हार्बरमास ने, बी मेधा पाटेकर, सी अरुंधति रे, डी अन्ना हजारे। तो कैपिटलिज्म इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये बात हैबरमैस ने कही थी, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4, द वर्ड सिटीजन, नागरिक शब्द, वाज मेड पॉपुलर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो रिवोल्यूशन हुए थे, नागरिक वर्ड बड़ा पॉपुलर हुआ था, ये नीचे लिखो में से किस रिवोल्यूशन में पॉपुलर हुआ था सिटीजन शब्द। ऑप्शन ए अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में, ऑप्शन बी ग्लोरियस रिवोल्यूशन 1689 में, सी फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 में, या डी नन ऑफ दीज। तो वर्ड सिटीजन जो पॉपुलर हुआ था जो जिस रिवोल्यूशन में, उस रिवोल्यूशन का ऑप्शन है ऑप्शन सी फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 में सिटीजन शब्द पॉपुलर हुआ था, नागरिक शब्द। हु हैज रिटन ऑन सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास नीचे लिखो में से किसने लिखी है। ऑप्शन ए मार्शल मैकलुहान, ऑप्शन बी TH मार्शल, ऑप्शन सी M कैसल्स, ऑप्शन डी एंथोनी गिडेंस। तो सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास जिस राइटर ने लिखी है उसका नाम था TH मार्शल, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 6, मल्टीकल्चरलिज्म वाज प्रिवेलेंट सिंस
मल्टीकल्चरलिज्म कब से प्रीवेलेंट है पूरे विश्व में? ऑप्शन ए एंशियंट टाइम्स, ऑप्शन बी मेडिवियल टाइम्स, ऑप्शन सी मॉडर्न टाइम्स या ऑप्शन डी पोस्ट मॉडर्न टाइम्स। तो मल्टीकल्चरलिज्म यानी बहुत सारे अलग अलग कल्चर के जो लोग रहते हैं, ये बात प्रिवेलेंट है ऑप्शन ए एंशियंट टाइम से, हजारों सालों से, पुराने समय से। क्वेश्चन सेवन, स्टेट इज नोन बाय द राइट्स दैट इट मेंटेन्स। जो स्टेट है उसको राइट्स के द्वारा जाना जाता है, जो राइट्स मेंटेन करके रखता है। हु सैड, ये बात किसने कही थी? ऑप्शन ए रसेल, ऑप्शन बी वुड्रो विल्सन, ऑप्शन सी जेनेट या ऑप्शन डी लास्की। तो स्टेट इज नोन बाय द राइट्स दैट इट मेंटेन्स, ये बात ऑप्शन डी लास्की ने कही थी। ये बहुत बड़ा फिलोसोफर था लास्की, ये स्टेटमेंट लास्की ने कही थी। क्वेश्चन एट, हु इज द ऑथर ऑफ प्रपोज्ड रोड्स टू फ्रीडम। प्रपोज्ड रोड्स टू फ्रीडम ये एक बुक है, इसके ऑथर कौन थे? ऑप्शन ए रसेल, ऑप्शन बी टॉलस्टॉय, ऑप्शन सी ब्राइसी, ऑप्शन डी लीकॉक। तो प्रपोज रोड्स टू फ्रीडम इसके ऑथर थे रसेल। क्वेश्चन नाइन, हु डिफाइंड, ये बात किसने डिफाइंड की थी? लिबर्टी इज द अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट, कि लिबर्टी जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर एक अपोजिट चीज है। ऑप्शन ए सीले, ऑप्शन बी जे एस मिल, ऑप्शन सी ग्रैम्सी, ऑप्शन डी मार्क्स। तो लिबर्टी इज द अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट, ये बात डिफाइन की थी ऑप्शन ए सीले ने, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन टेन, विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी, वेरी इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेसी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी एथेंस। तो डेमोक्रेसी का बर्थ प्लेस ऑप्शन डी एथेंस है, ये करेक्ट आंसर है। 11, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नाउ प्रैक्टिस इन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज भी प्रैक्टिस होती है कहां पर? ऑप्शन ए कैंटोन्स ऑफ स्विट्जरलैंड, बी इंडिया, सी स्टेट्स ऑफ अमेरिका या डी इंग्लैंड। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज भी जहां प्रैक्टिस होती है वो है कैंटोन्स ऑफ स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन 12, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 रिटन बाय, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का संविधान, ये 1960 में लिखी गई थी, इसके राइटर कौन थे? ऑप्शन ए आई बर्लिन, ऑप्शन बी मिल्टन फ्राइडमैन, ऑप्शन सी चार्ल्स टेलर, ऑप्शन डी एफ ए हायक। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 में जिस राइटर ने लिखी थी उसके नाम था एफ ए हायक, ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 13, ओरिजिनल पोजीशन इज अंडर व्हील ऑफ इग्नोरेंस, व्हील ऑफ इग्नोरेंस होता है अज्ञानता। तो ओरिजिनल पोजीशन व्हील ऑफ इग्नोरेंस में क्या है, ये बात डेवलप की थी बाय, किसने डेवलप की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट डहल ने, ऑप्शन बी ग्राम्सी, ऑप्शन सी ए बी हॉल, ऑप्शन डी जॉन रॉल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिजिनल पोजीशन इज अंडर व्हील ऑफ इग्नोरेंस, जब अज्ञानता का शिकार कोई व्यक्ति होता है तो उसकी असली स्थिति ओरिजिनल पोजीशन, ये बात डेवलप की थी जॉन रॉल्स ने। हु इज द ऑथर ऑफ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स का ऑथर कौन था? ऑप्शन ए जे एस मिल, बी रूसो, सी लॉसवेल या डी लास्की। तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बुक का ऑथर थे ऑप्शन डी लास्की। क्वेश्चन 15, द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म इज, चीफ एक्सपोनेंट कौन था इस शब्द को बताने वाला वैज्ञानिक समाजवाद? वो थे ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी फ्रेडरिक एंजल्स, सी बोथ ए एंड बी या डी नाइदर ए नॉर बी।
तो साइंटिफिक सोशलिज्म को चीफ एक्सपोनेंट जो थे इस शब्द का डेवलप करने वाले वो थे ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। ये चाहते थे समाज में वैज्ञानिक समाजवाद आए, सब इक्वल हों। क्वेश्चन 16, हु कॉइंड द स्लोगन नो कंट्रोल नो कोऑपरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, नो कंट्रोल, जब तक कंट्रोल नहीं होगा, नियंत्रण नहीं होगा, तब तक साथ नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा। ये बात किसने कॉइंड की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अरबिंदो घोष या डी एस सी सुभाष चंद्र बोस। तो नो कंट्रोल नो कोऑपरेशन, ये बात कॉइंड की थी स्लोगन अरबिंदो घोष ने। ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 17, हु सैड, ये एक स्टेटमेंट आ रही है, ये किसने कही है? कॉन्टिन्यूड सक्सेस इन ऑब्टेनिंग दोज थिंग्स, कि अगर आप लगातार चीजों को पाने में अपने आप को लगातार सफलता देते रहेंगे, सफलता की तरफ जाएंगे, विच अ मैन फ्रॉम टाइम टू टाइम डिजायर, तो वो आदमी को समय समय पर मिलती रहेंगी। ये बात किसने कही थी, किस पॉलिटिकल फिलोसोफर ने कही थी? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी जे एस मिल, सी हॉब्स या डी रूसो। तो कॉन्टिन्यूड सक्सेस इन ऑब्टेनिंग दोज थिंग्स विच अ मैन फ्रॉम टाइम टू टाइम डिजायर्स, ये बात हॉब्स ने कही थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 18, हु सैड, एक लाइन आ रही है, ये लाइन किसने कही थी? लाइन है, पॉलिटिकल थ्योरी स्टैंड्स फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। कि पॉलिटिकल थ्योरी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी स्टैंड करती है उसके लिए एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर के, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल के लिए स्टैंड करती है। ये बात किस फिलोसोफर ने कही थी? ऑप्शन ए टी पी जेंकिन, ऑप्शन बी आर ए डहल, ऑप्शन सी डब्ल्यू टी ब्लूहम, ऑप्शन डी वेनस्टीन। तो ये बात पॉलिटिकल थ्योरी स्टैंड फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर, ये बात डब्ल्यू टी ब्लूहम ने कही थी। ये करेक्ट आंसर है। हु सैड कॉन्टिन्यूड सक्सेस इन ऑब्टेनिंग दोज थिंग्स विच अ मैन फ्रॉम टाइम टू टाइम डिजायर, ये बात किस फिलोसोफर ने कही थी? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी जे एस मिल, ऑप्शन सी हॉब्स या ऑप्शन डी रूसो। तो ये बात हॉब्स ने कही थी। क्वेश्चन 18, हु सैड पॉलिटिकल थ्योरी स्टैंड फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। पॉलिटिकल थ्योरी स्टैंड करती है उस एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर के लिए, ये बात किसने कही थी? टी पी जेंकिन, ऑप्शन बी आर ए डहल, सी डब्ल्यू टी ब्लूहम या डी वेंसी ने। तो ये बात डब्ल्यू टी ब्लूहम ने कही थी। ये करेक्ट आंसर है। 19, हु सैड, ये स्टेटमेंट किसने कही थी? मार्क्सिज्म टू बी एन आइडियोलॉजी रादर देन अ पॉलिटिकल थ्योरी, ये बात किसने कही थी? कि मार्क्सिज्म एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, ना कि एक पॉलिटिकल थ्योरी है, ये बात किसने कही थी? ऑप्शन ए जर्मिनो, बी डेविड हेल्ड, सी आर ए डहल, डी जी एच सेबीन। तो मार्क्सिज्म टू बी एन आइडियोलॉजी रादर देन पॉलिटिकल थ्योरी, ये बात ऑप्शन ए जर्मिनो ने कही थी। क्वेश्चन 20, सोशलिस्ट स्टेट्स आर बेस्ड ऑन मार्क्सियन आइडियोलॉजी। सोशलिस्ट स्टेट्स, समाजवाद स्टेट्स जो होते हैं, समाजवादी स्टेट्स, वो मार्क्सियन आइडियोलॉजी पर बेस्ड हैं एंड आर नोन एज, ऐसे स्टेट्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्लू वर्ल्ड, बी ग्रीन वर्ल्ड, सी रेड वर्ल्ड या डी येलो वर्ल्ड। तो ऐसे वर्ड को रेड वर्ड कहा जाता है। क्वेश्चन 21, डैश इज द पेरेंट साइंस ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। सभी सोशल साइंसेस की जो माँ बाप है, पेरेंट साइंस है, वो क्या है? ऑप्शन ए सोशोलॉजी, बी हिस्ट्री, सी फिलॉसफी या डी पॉलिटिकल साइंस। तो सभी सोशल साइंसेस के पेरेंट्स का नाम सोशोलॉजी, ऑप्शन ए करेक्ट है। आइवर ब्राउन पॉइंट्स आउट दैट इकोनॉमिक्स डील्स मेनली विद,
आइवर ब्राउन इशारा करता है कि इकोनॉमिक्स डील करती है मेनली विद किससे एंड पॉलिटिक्स इज कंसर्न विद किससे, यानी इकोनॉमिक्स किस चीज से डील करती है और पॉलिटिक्स किस चीज से कंसर्न करती है। ऑप्शन ए वेल्थ एंड गवर्नमेंट, बी बिजनेस एंड स्टेट, सी कमोडिटीज एंड ह्यूमन बीइंग, या डी प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, कमोडिटीज एंड ह्यूमन बीइंग, यानी एक आइवर ब्राउन के हिसाब से इकोनॉमिक्स डील करती है कमोडिटीज से और पॉलिटिक्स डील करती है ह्यूमन बीइंग्स को। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 23, एथिक्स इज कंसर्न विद मींस मैन एज अ मैन एंड एज सच इट इज प्रायर टू एथिक्स, यानी हमारी मॉरल वैल्यू, नैतिक जो चरित्र होता है, करैक्टर है, ये कंसर्न करता है आदमी के साथ एज अ मैन एंड अ सच इट इज प्रायर टू। ऑप्शन ए सोसाइटी, बी साइंस, सी पॉलिटिकल साइंस, या डी हिस्ट्री। तो ये प्रायर है, यानी एथिक्स का जो मेन वैल्यू है मैन के साथ वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 24, हु डिफाइंस पॉलिटिकल साइंस एज द स्टडी ऑफ द एक्ट ऑफ ह्यूमन एंड सोशल कंट्रोल। ये बात पॉलिटिकल साइंस की किसने डिफाइन की है कि पॉलिटिकल साइंस एक स्टडी है जो एक्ट ऑफ ह्यूमन के एक्ट और सोशल कंट्रोल पर फोकस करती है, ये बात किसने डिफाइन करी है। ऑप्शन ए रॉबसन, ऑप्शन बी पॉलक, ऑप्शन सी मैकलैंड, या ऑप्शन डी कैटलिन। तो पॉलिटिकल साइंस द स्टडी ऑफ एक्ट ऑफ ह्यूमन एंड सोशल कंट्रोल की बात ऑप्शन डी कैटलिन ने डिफाइन की है। क्वेश्चन 25 लास्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल थ्योरी का। पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल की स्टडी करने वाले लोग, हैव बोरोड सच आइडियाज, इन्होंने जो आइडिया बोरो किए हैं सच एज कल्चरल रिलेटिविज्म, सोशल इवोल्यूशन एंड कल्चरल डिफ्यूजन फ्रॉम, ये किस से लिए हैं। ऑप्शन ए सोशोलॉजी से, ऑप्शन बी फिलॉसफी से, सी एंथ्रोपोलॉजी से, या डी इकोनॉमिक्स से। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने जो चीज बोरो की है कल्चरल रिलेटिविज्म, सोशल इवोल्यूशन, कल्चरल डिफ्यूजन, वो एंथ्रोपोलॉजी से ली है। एंथ्रोपोलॉजी साइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग का साइंस है, तो एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन से रिलेटेड सारी बातें, सोसाइटी से रिलेटेड सारी बातें आती हैं। तो इन्होंने जो बोरो किया है वो एंथ्रोपोलॉजी से किया है। तो स्टूडेंट्स, CUET UG की वीडियो नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस, जिसका टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें हमारे जितने भी पॉलिटिकल थ्योरी के फिलॉसफर हैं, हमारे थिंकर्स हैं, उन सब की कोटेशंस, उन सब की स्टेटमेंट्स, उन सब की बुक्स के नेम आपके सामने हैं और उनके ऑप्शंस पे आपको करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं MCQ की फॉर्म में। ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद हैं। डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं है, सिर्फ आपको मेमोरी अपनी शार्प रखनी है कि उन राइटर्स के, उन फिलोसोफर्स के नाम आपको पता होने चाहिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरीके से आप हमारी बाकी वीडियो, अभी आपको पॉलिटिकल साइंस के और भी जो टॉपिक्स हैं मैंने आज बताए हैं वो आपको मिलेंगे। आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए, आपको अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।